नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार के जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में कम और सड़कों पर ज़्यादा दिख रहे हैं। सड़कों पर अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि अभी बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली हो रही है। हम लोग का मांग है कि वो RTE NCTE के मानकों का पालन करके उसकी बहाली की जाए और उसमें TET STET को कंपल्सरी किया जाए। उम्र की जो बाध्यता है उसको समाप्त की जाए, सॉरी ये अनुभव की बाध्यता है उसको समाप्त की जाए और मतलब जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बेहतरी के लिए जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए। हर मांगों को लेकर सड़क पर बैठना सही है? सरकार जब नहीं सुनती है तो क्या किया जाए? आप लोग के संज्ञान आखिर आप लोग की भी तो जवाबदेही है। मीडिया चौथा स्तंभ मंत्री से मुलाकात की? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री से बोले। शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि हाँ आप लोग की बात जायज है, हम देखते हैं इसको। लेकिन कहाँ मतलब कितना दिन हो गया? लगभग 10 दिन हो गए। 10 दिन से कोई कार्रवाई कहाँ कुछ तो हुआ होता तो शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि अगर आप लोग धरना पर बैठेंगे तब तो और आपकी बातों को नहीं सुनेंगे पाएंगे। नहीं सुनेंगे तो कोर्ट की सुनेंगे ना। अगर कोई तर्क संगत नियम संगत बातें होंगी तो उसको तो मानना पड़ेगा। कानून है कि नहीं देश में तो हम लोग हाईकोर्ट के शरण में जाएंगे। कब तक बैठे रहेंगे? एक दिवसीय सत्याग्रह है हम लोग का। आराम से शांतिपूर्ण ढंग से बैठना है, कोई हुड़दंग नहीं। अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से करना है कि हम योग्य हैं, हमें मौका दिया जाए। इसके बाद भी अगर मौका नहीं दिया गया तो बताया ना मैंने कि कोर्ट का रुख करेंगे हम लोग। कोर्ट चूँकि ऑलरेडी RTE NCTE में ये प्रावधान किया गया है और उसको हम लोग फुलफिल करते हैं तो कोर्ट हम लोगों के पक्ष में फैसला देगा। इस पूर्ण विश्वास से महिलाएँ शिक्षक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। किन मांगों को लेकर बैठे? ये भी हमारा मांग का आप देख रहे हैं, हम लोग हर चीज़ में TET STET लेकर नियमित वालों को हर सुविधाएं दी जाती हैं। ये टेट वाले हैं, ये STET वाले हैं, बहुत पक्षपात किया जाता है हम लोग के साथ। बहुत तरह का सरकार लुभावना दे देते हैं, उसके बाद पीछे हट जाते हैं। अभी हम लोग मांगों को लेकर सड़क पर बैठने से मांग पूरा हो जाए? सड़क पर बैठने से मांग पूरा, हम लोग अपना ये दिखाए हैं कि हाँ हम लोग आपके अवहेलना के शिकार हैं, इसलिए हम लोग सड़क पर बैठे हैं। हमारी बातों को मानी जाए, हम लोग की भी बातों को स्वीकार किया जाए, इसलिए बैठे हैं। और हम लोग तो ऐसा नहीं कि पूरे बिहार के पूरे जो जिला मुख्यालय हैं सभी जगह, इसलिए संख्या आपको कम दिख रही होगी क्योंकि ये केवल पटना जिला इकाई का कार्यक्रम है। ये पूरे जिला मुख्यालयों में आपके उन पत्रकार होंगे तो पता करिए, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यक्रम। क्या लगता है सरकार मांग पूरा करेगी? देखिए सरकार को तो से हम लोग वार्ता कर लिए हैं और वार्ता के दौरान अपनी बातों को मांगों को रख दिया उनके सामने। सरकार को भी हमारी बात जो है वो समझ में आई है और वो कुछ दिन कहें कि आश्वासन सिर्फ दिए हैं, आश्वासन देकर सिर्फ जो है वो छोड़ दिए हैं। तो अगर सत्याग्रह के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश सरकार को हम लोग देना चाह रहे हैं कि अगर हमारी जो मांग है उसको अगर पूरा समय नहीं किया जाएगा तो हम लोग कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। तो इन्होंने कह दिया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये कोर्ट की तरफ अपना रुख करेंगे। अभी आप देख रहे थे TET के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, ये स्कूल में पढ़ाते हैं और इनकी मांग है कि इनको भी प्रधानाध्यापक बनने का मौका दिया जाए। तमाम खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।